गाइस तो फाइनली आ गया है डी बैटमैन मूवी का रिव्यू। हाँ मैं एक दिन लेट हो चुका हूँ, लेकिन यह मूवी की टिकट इतनी जल्दी बिक रही थी कि मुझे पहले दिन का शो ही नहीं मिला। लेकिन भाई साहब क्या मूवी थी यार, ये 3 घंटे की मूवी थी लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। एंड शायद ये मूवी 4 घंटे की होती तो भी मुझे पसंद आती। देखो गाइस, इस बार बैटमैन का कैरेक्टर रॉबर्ट पैटिनसन ने प्ले किया है। हर रोल की तरह इस कैरेक्टर में भी रॉबर्ट पैटिनसन ने जान डाल दी है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन मैं लिटरली फैन बन चुका हूँ इस बैटमैन का। तो बिना टाइम बिगाड़े रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस बार बैटमैन को डिटेक्टिव जैसा बताया गया है जो रीडर सॉल्व करता है। एंड गाइस ये मूवी काफ़ी कॉमिक एक्यूरेट थी जो कि देखने में इंटरेस्टिंग भी लगती है। एंड मुझे जो क्रेविस की सेलिना कायरी भी बहुत पसंद आई। आई होप कि हम इस कैरेक्टर को आगे भी देख सकें। अब जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है उन लोगों के लिए मूवी के काफ़ी सीन प्रिडिक्टेबल बन जाएंगे, जैसे कि रिडलर का पकड़े जाने वाला सीन एंड वो पेंगुइन वाला कार चेसिंग सीन, फाइट सीन। लेकिन मेरा मूड स्पॉइल नहीं हुआ क्योंकि ये सब सीन बिग स्क्रीन पे देखने में मज़ा ही आता है। एंड गाइस मैं ये बता दूं कि इस मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं थे। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन मार्क दिखाया गया एंड एक लिंक भी, जो भी इतनी जल्दी फ्लैश हुई कि लिंक क्या थी वो पता ही नहीं चला। एंड गाइस सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बेस्ट थी। इस मूवी का डायरेक्शन भी अच्छा है, इतना अच्छा है कि हर एक इमोशंस अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। इस मूवी का थ्रिलर पार्ट भी अच्छा है। यह मूवी हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी। एंड ये मूवी की हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी है। सो गाइस आप ये मूवी हिंदी में भी एंजॉय करोगे। एंड गाइस अगर आपके दोस्त एंड फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो सुपर हीरो मूवीज़ देखना पसंद नहीं करते एंड शायद वो बैटमैन कौन है वो भी नहीं जानते, तो अगर आप ये मूवी उन लोगों को दिखाएंगे तो वो लोग डी बैटमैन एंड सुपर हीरो मूवीज़ के फैन हो जाएंगे, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्शन एंड स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अब गाइस ये मूवी आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते, नहीं इसमें कुछ ऐसे वैसे सीन नहीं है, लेकिन इस मूवी का एक्शन बहुत ही हाई लेवल का है। सो अगर आपकी एज 13 से ज़्यादा है तो आप इस मूवी को देख सकते हो। ऐसा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन गाइस प्लीज़ स्पॉइलर मत देना। एंड हाँ गाइस अगर आप आने वाले मूवीज़, वेब सीरीज़, टीवी शोज़ के रिव्यू एंड रिकमेंडेशन मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।